हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें आगे कंटिन्यू करना है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर को वॉच कर रहे हैं तो एंड तक ज़रूर देखें। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर आपको 5th से स्टार्ट करना है और एक्सरसाइज आपकी 3.1 कंप्लीट एक्सरसाइज आपको यहां पर सॉल्व कराई जाएगी। तो बने रहें लास्ट वीडियो में और एंड तक जरूर देखें। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर गिवन है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 10 टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन 4 देन द नंबर ऑफ बॉयज। इसमें कह रहा है कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 देन अधिक हैं, एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो इसमें बताना है कि गर्ल्स कितना पार्ट क्विज का सॉल्व करेंगी। तो यहाँ पर देखिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पर लेट करना है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें किस तरह से करना है, यहाँ पर लिखना है कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स है। तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी एक्स प्लस 4, क्योंकि कह रहा है कि जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 अधिक हैं। तो यहाँ पर मैंने एक्स प्लस 4 लिख दिया। अब जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए हुए हैं, 10 दिए हुए हैं। तो गर्ल्स और बॉयज को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे गर्ल्स प्लस बॉयज इक्वल टू 10। गर्ल्स आपकी हैं एक्स प्लस 4 और बॉयज हैं आपका एक्स इक्वल टू 10। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 4 इक्वल टू 10। तो 2x इक्वल टू 10 माइनस 4 यानी कि कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा। जो नंबर ऑफ बॉयज हमने लेट किया था तो कितने हो जाएंगे आपके, नंबर ऑफ बॉयज x यानी कि 3 हो जाएंगे। हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ गर्ल्स x प्लस 4 था तो 3 प्लस 4 इसको ऐड कर देंगे तो 7 आ जाएगा। तो आंसर में आपका यही आएगा, 3 और 7। क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर था। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको हमें समझना है। उसके बाद हमें यहाँ पर इसको स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है, आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 गिवन है। फाइंड व्हाट द वैल्यू ऑफ सी। द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इसमें कंडीशन गिवन है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, तो उसकी कंडीशन क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बताया है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में चैप्टर 3 जब स्टार्ट किया था उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। तो यहाँ पर आपको वही कंडीशन अप्लाई करना है और सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 6 का ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, इसको हम इधर ले लेते हैं, तो माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से। तो a1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, और b1 इज इक्वल टू आपका 3 और c1 इज इक्वल टू माइनस का 2। अब सिमिलरली दूसरी इक्वेशन को भी नोट करते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन आपकी दी हुई है c प्लस 2x प्लस 2c प्लस 1 इंटू y, और इसको हम इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा और c माइनस 1 ये इतना हो जाएगा इक्वल टू 0। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, इसको भी हमें कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे तो a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पर आ जाएगा a2 इक्वल टू c प्लस 2 और b2 इक्वल टू आ जाएगा 2c प्लस 1 और c2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2
सी माइनस वन, ये इतना आ जाएगा आपका। अब हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन लगाना है, जो कंडीशन होती है, कंडीशन यहाँ पर हम नोट करते हैं, कंडीशन आपकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इसका होता है आपका ए वन अपान ए टू इक्वल टू बी वन अपान बी टू इक्वल टू सी वन अपान सी टू। इसी में आपको क्या करना है, इसको वैल्यू पुट करना है। ए वन अपान ए टू कितना दिया हुआ है, टू अपान ए वन अपान ए टू सी प्लस टू, बी वन अपान बी टू, बी वन है आपका थ्री और बी टू है टू सी प्लस वन, तो थ्री अपान टू सी प्लस वन इज इक्वल टू सी वन है आपका माइनस का टू अपान, यहाँ पर माइनस का टू और सी माइनस वन, ये आपका यहाँ पर निकल के आएगा। अब ये देखिए माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, टू अपान सी प्लस टू इक्वल टू थ्री अपान टू सी प्लस वन इक्वल टू वन अपान सी माइनस वन, ये आपका बचेगा। अब देखिए पहले हम इसको और इसको इक्वल कर लेते हैं, फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को, ये आपका सेकंड है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू अपान सी प्लस टू इक्वल टू वन अपान सी माइनस वन, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो टू सी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो टू सी माइनस टू इक्वल टू सी प्लस टू आ जाएगा। इसको हम इधर लेके आएंगे कितना हो जाएगा, टू सी माइनस सी इक्वल टू टू प्लस टू, यानी कि कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा सी इक्वल टू फोर। हमें सी की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना था, यही इसका आंसर होगा, तो मैंने फर्स्ट और थर्ड को लिया, उससे ही आपका सी की वैल्यू निकल के आ गया है। आप अगर यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को ले लेंगे तो वैल्यू तब भी आपकी यहाँ से निकल के आ जाएगी, क्योंकि ए वन अपान ए टू इज इक्वल टू बी वन अपान बी टू के होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में ये कंडीशन होती है, तो मैंने इसको निकाल लिया तो आपका जो आंसर आया सी इक्वल टू फोर आ गया, तो यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो सिक्स है उसका फर्स्ट पार्ट ये आपका सॉल्व हो चुका है। सेकेंड पार्ट में ये सेकेंड पार्ट आपका सेम जैसे मैंने पहला पार्ट किया है वैसे ही आपको यहाँ पर करना है। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन आपकी गिवन है c माइनस वन इंटू एक्स माइनस वाई, इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस का फाइव इज इक्वल टू जीरो, यह आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। इसको हमें कंपेयर करना है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो से, तो ए वन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा c माइनस वन और बी वन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का वन और सी वन इज इक्वल टू माइनस का फाइव। अब सिमिलरली आपको सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर नोट करना है c प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन माइनस सी वाई, इसको हम इधर लेके आएंगे तो माइनस का थ्री सी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। अब इसको हमें फिर से कंपेयर करना है तो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, तो ए टू इज इक्वल टू कितना होगा c प्लस वन और बी टू इज इक्वल टू हो जाएगा बी टू इक्वल टू वन माइनस सी और यहाँ पर c टू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का थ्री c और माइनस का वन। अब देखो हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए निकालना है कंडीशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, जो कंडीशन होती है आपकी ए वन अपान ए टू इज इक्वल टू बी वन अपान बी टू इज इक्वल टू सी वन अपान सी टू होती है। अब ए वन अपान ए टू, यहाँ पर ए वन कितना दिया हुआ है सी माइनस वन अपान सी प्लस वन इक्वल टू बी वन अपान बी टू, बी वन कितना दिया हुआ है माइनस का वन अपान बी टू कितना दिया हुआ है वन माइनस सी इज इक्वल टू सी वन अपान सी टू माइनस का फाइव अपान सी वन अपान सी टू कितना है माइनस का थ्री सी माइनस का वन। अब देखिए हमें क्या करना होगा, इसको हम
फर्स्ट को और सेकंड को यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो क्या निकल के आता है, c माइनस वन अपॉन सी प्लस वन। इसको देखिए माइनस यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो माइनस ऊपर वाला हट जाएगा तो ये आ जाएगा c माइनस वन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे कराएंगे तो ये c माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c प्लस वन आ जाएगा। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इज इक्वल टू सी प्लस वन। इसको हम इधर लेके आएंगे, ये वन से तो वन कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा सी स्क्वायर, इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस का टू सी माइनस का सी इज इक्वल टू जीरो। इसमें से सी कॉमन आ रहा है और पहले इसको ऐड कर लेते हैं तो सी माइनस सी स्क्वायर माइनस थ्री सी इज इक्वल टू जीरो। सी इसमें कॉमन आ रहा है तो सी कॉमन ले लेंगे, सी माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। सी इज इक्वल टू एक वैल्यू जीरो आ जाएगी और सी माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, सी इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। यही हमें आंसर निकालना था। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया है। फर्स्ट पार्ट और ये थर्ड पार्ट को भी लेकर के सॉल्व करते हो तो भी इसका आंसर यहाँ पर सी की वैल्यू थ्री ही आएगी। तो ये भी देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हमें सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी से फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ सी, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ सी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पर जो भी आपकी इक्वेशंस गिवन है इनमें से आपको सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। और इसी का जो थर्ड पार्ट गिवन है इसमें भी आपको क्या करना है, सी की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना है। तो सेम सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे मैंने ये दो पार्ट आपको सॉल्व कराया है वैसे ही इसको भी करना है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपकी सी की वैल्यू क्या आई है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेवन गिवन है, इसमें भी आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है ए की। क्वेश्चन में कह रहा है फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ ए द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। इसमें देखिए कंडीशन आपकी दूसरी दिया हुआ है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मैंने आपको कंडीशन बताया हुआ था, जो प्रॉपर्टीज होती है इसका, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। मैंने नो सॉल्यूशन के लिए यही प्रॉपर्टी आपको बताया हुआ है। तो यही प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका यूज करना है और उसके बाद हमें ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो पहला पार्ट इसका गिवन है और इसे कैसे सॉल्व करना है यहाँ पर समझते हैं। देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन गिवन है, ए एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू ए माइनस टू और 12ax प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए। तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं और a माइनस टू को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा ax प्लस थ्री वाई और माइनस हम इधर साइन ले लेंगे और a माइनस टू हम इसको ऐसे नोट कर लेंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस लगाने के बाद इसके अंदर के साइन भी चेंज कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। अब इसे हमें कंपेयर करना है किस इक्वेशन से, जो जनरल इक्वेशन होती है आपकी ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। इसके लिए ही मैंने आपको लिखवाया था, जो साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन होती है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो से हमें कंपेयर करना है। तो ए वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा और बी वन इक्वल टू आपका थ्री है और सी वन इक्वल टू माइनस का साइन लगाएंगे और ए माइनस टू यहाँ पर लिखेंगे। अब सिमिलरली आपको दूसरी इक्वेशन नोट करना है, यहाँ पर देखिए 12x प्लस ए वाई, इस a को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में इधर लाएंगे माइनस a, माइनस में वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू जीरो। ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर इसको भी हमें कंपेयर करना है, जो लीनियर इक्वेशन होती है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो से। तो a2 टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा और b2 टू इज इक्वल टू ए हो जाएगा और c2 टू इज इक्वल टू माइनस का a हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपको कंडीशन बताया था, जो कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन जिसमें कोई भी हल नहीं होता, उसके लिए मैंने आपको बताया था a1 वन अपान ए टू इज इक्वल टू बी वन अपान बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपान सी टू। ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करना है। अब देखिए a1 वन अपान ए टू कितना दिया हुआ है, a अपान 12 इज इक्वल टू,
बी वन अपॉन बी टू, बी वन कितना है 3 दिया हुआ है और बी टू आपका a दिया हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 अपॉन a इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। सी वन की वैल्यू कितनी दी हुई है माइनस a माइनस टू अपॉन सी वन अपॉन सी टू, सी टू की वैल्यू है आपकी माइनस का a। अब देखिए हमें क्या करना होगा, ये जो नॉट इक्वल टू दिया हुआ है इस वैल्यू को हमें नहीं लेना है, हमें सिर्फ यही दो वैल्यू को लेना है और इसी को लेकर के सॉल्व करना है। जो फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है और ये सेकंड, इन्हीं दोनों को हमें क्या करना है इक्वेट करके इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो a अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन a आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 3 यानी कि 36 हो जाएगा। a का हम यहाँ पर अंडर रूट ले लेंगे 36 का, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। हमें a की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना था। इस क्वेश्चन में हमें पहले से कह रहा है कि फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ a, तो a का आपका आंसर निकल के आ गया है, a की वैल्यू आपकी 6 आ चुकी है। ये सेकंड पार्ट दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में भी आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको भी हमें पहले वाले पार्ट जैसा ही सॉल्व करना है। तो 3a plus 1 x प्लस 3y, ये पहले से आपका इधर लेफ्ट में दिया हुआ है इक्वल टू जीरो, तो इस इक्वेशन को हम 1 मान लेते हैं और यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करेंगे इतना हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 से, तो a1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3a प्लस 1 और b1 इज इक्वल टू 3 और c1 इज इक्वल टू माइनस का 2। दूसरी इक्वेशन आपकी गिवन है a स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए माइनस टू वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन। इसको भी हमें कंपेयर करना है, क्या करना है इसको कंपेयर ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो से। तो यहाँ पर देखिए ए टू इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन, बी टू इज इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस टू और सी टू इज इक्वल टू माइनस का फाइव। अब फिर से हमें निकालना है नो सोल्यूशन की कंडीशन, हमें अप्लाई करना है यहाँ पर नो सोल्यूशन की कंडीशन। मैंने आपको बताया हुआ है ए वन अपान ए टू इज इक्वल टू बी वन अपान बी टू और इज नॉट इक्वल टू सी वन अपान सी टू, इसको हमें अप्लाई करना है। तो ए वन की वैल्यू है आपकी 3a प्लस 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, बी वन की वैल्यू 3 है और बी टू की वैल्यू है a माइनस टू, 3 अपॉन a माइनस टू ये नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू माइनस का 2 और माइनस का यहाँ पर 5 है। अब यहाँ पर देखिए हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो नॉट इक्वल टू है उसको हमें नहीं लेना है, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट को ही हमें इसको इक्वेट करके इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर 3a प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 3 अपॉन ए माइनस टू, इसका हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3a प्लस 1 और यहाँ पर a माइनस टू इज इक्वल टू 3 ए स्क्वायर प्लस 1, ऐसे मैंने लिख दिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 3a स्क्वायर, इसका पहले हम कर रहे हैं और 3 टू जा 6 माइनस का 6a, 1 का करेंगे तो प्लस का a और माइनस का 2 इज इक्वल टू 3a स्क्वायर प्लस 3। अब इसे हमें सॉल्व करना है तो देखिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 3a स्क्वायर माइनस का यहाँ पर 5a बचेगा क्योंकि माइनस का 6 है और प्लस का a है और माइनस का 2, 2 को हम उधर ले जाते हैं, सॉरी क्या करते हैं 2 को हम उधर ले जाते हैं तो 3a स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2, तो ये आपका 3a स्क्वायर तो ये कट जाएगा और 5 में प्लस या सॉरी यहाँ पर 3 प्लस 2 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5a इज इक्वल टू 5। अब देखिए 5 से ये 5 कट जाएगा तो a इज इक्वल टू कितना बचेगा 5 अपान माइनस हम इधर लगा देंगे और 5 इज इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी दोस्तों, a की वैल्यू आपकी आई माइनस का 1, यही इसका आंसर होगा। a इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 1, ये आपका आंसर निकल के आ गया है। और ये सेकेंड पार्ट में हमें a की वैल्यू ही फाइंड आउट करना था, तो ये इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है और थर्ड पार्ट भी आपको इसी तरह से करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन आपका गिवन है और इस क्वेश्चन को आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर हमें ज़रूर बताना है।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 गिवेन है और इसमें आपको ए और बी की दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करना है और ये भी दोनों इक्वेशन आपकी लीनियर इक्वेशन है। तो कैसे करना है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये कंडीशन आपकी पहले से दी है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू हमें अप्लाई कर देना है। फिर उसके बाद में हमें दो इक्वेशन बनानी है, दोनों इक्वेशन से ए और बी की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। अब पहला पार्ट हमें कैसे सॉल्व करना है, आइए यहाँ पर देखते हैं। पहली इक्वेशन दी हुई है आपकी 2x प्लस 3y, इसको हम इधर ले आएंगे तो माइनस का 7 इक्वल टू 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसको हम कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से, तो a1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और b1 इज इक्वल टू 3 और c1 इज इक्वल टू माइनस का 7। अब सिमिलरली हमें दूसरी इक्वेशन नोट करना है, तो a प्लस बी प्लस 1x प्लस a प्लस 2b प्लस 2 इंटू वाई, इसको हम इधर ले आएंगे तो माइनस का 4 a प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। इसको भी हम कंपेयर करेंगे तो a2x कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से, तो a2 इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा a प्लस बी प्लस 1 और b2 इक्वल टू होगा a प्लस 2b प्लस 2 और c2 इक्वल टू होगा आपका माइनस का 4a प्लस बी माइनस 1। अब देखिए हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करना है। तो क्या होता है, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। अब यहाँ पर देखिए हम रख देते हैं वैल्यूज, a1 अपान a2 कितना दिया हुआ है 2, a1 अपान a2 दिया हुआ है आपका a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू b1 अपान b2 3 अपान b2 है आपका a प्लस 2b प्लस 2 और c1 अपान c2, c1 की वैल्यू है माइनस का 7 अपान माइनस, इसमें हम कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 4a, हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4a प्लस 4b और प्लस का 1, ये इतना हो जाएगा। माइनस का यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया, ये कॉमन मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर माइनस से माइनस ही कैंसिल हो जाएगा और हम यहाँ पर पहले फर्स्ट और सेकंड को लेते हैं और फिर सेकंड फर्स्ट और थर्ड को ले लेंगे। अब इनको हमें इक्वेशन बना करके सॉल्व करना है, तो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। देखिए टू अपान ए प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 3 अपान ए प्लस 2b प्लस 2, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 2a प्लस 2 जा 4b प्लस 4 इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस 3। अब देखिए हमें क्या करना होगा, इसको उधर ले जाते हैं या फिर इसको हम इधर लाते हैं, इसको हम उधर ले जाते हैं, कितना हो जाएगा 3a में हम पहले 2a माइनस कर देंगे, प्लस का 3b है माइनस का 4b कर देंगे, फिर प्लस का आपका 3 है, ये 4 को हम क्या करेंगे उधर ले जाएंगे तो माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो a यहाँ पर माइनस का कितना आ जाएगा b, a माइनस b माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो a माइनस b इज इक्वल टू 1, ये आपकी एक इक्वेशन आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। ये आपका कौन सा था, ये फर्स्ट था और ये सेकंड था। अब हम लेते हैं ये फर्स्ट को और ये थर्ड को, तब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए 2 अपान a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू
सेवन अपान फोर ए प्लस फोर बी प्लस वन। इसका हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो फोर टू जा कितना हो जाएगा एट ए प्लस एट बी प्लस टू इक्वल टू सेवन ए सेवन बी प्लस सेवन। अब हम इसको इधर ले आएंगे तो एट ए माइनस सेवन ए प्लस एट बी माइनस सेवन बी, और टू को हम उधर ले जाते हैं तो सेवन माइनस टू ये कितना आ जाएगा फाइव। यहाँ पर कितना आ जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू फाइव, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आएगी। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ना लिख करके हम यहाँ पर ए इक्वेशन लिख लेते हैं और इसको हम बी लिख लेते हैं, क्योंकि मैंने ये मैंने इसलिए चेंज किया क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आपको मैंने पहले ही माना था। तो यहाँ पर मैंने a माइनस बी इक्वल टू वन ये ए इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन a प्लस बी इक्वल टू फाइव ये आपकी दूसरी इक्वेशन है b। अब क्या करेंगे देखिए, a इक्वेशन और b इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इक्वेशन आपकी आ गई है कौन कौन सी, a माइनस बी इक्वल टू वन ये आपकी a इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन आपकी आई है a प्लस बी इज इक्वल टू फाइव ये आपकी b इक्वेशन है। अब देखिए हमें सॉल्व करना है, तो ये प्लस माइनस दोनों क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे, दोनों को इक्वेशन को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा टू ए इज इक्वल टू सिक्स, तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा थ्री आ जाएगा। ए इज इक्वल टू थ्री पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, ए में रख देते हैं तो बी की वैल्यू क्योंकि हमें निकालना है, ए माइनस बी इक्वल टू वन है तो यहाँ पर थ्री रख देंगे, ए की वैल्यू इक्वल टू वन, बी को हम उधर ले जाएंगे तो थ्री माइनस वन इक्वल टू बी, यानी कि यहाँ से बी इक्वल टू कितना आ जाएगा टू आ जाएगा। तो यही इसके आंसर होंगे, ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था। यहाँ पर बहुत ही सिंपल वैसे क्वेश्चन है बट कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी है, तो हमें क्या करना होगा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है और सॉल्यूशन आपको बिल्कुल सही से करना है। माइनस में भी कोई भी अगर यहाँ पर चेंज हो जाता है तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर निकल के आया है a इक्वल टू थ्री और b इक्वल टू टू। क्वेश्चन नंबर एट के सेकेंड पार्ट में भी a और b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, जैसा मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको डिस्क्राइब किया है, और थर्ड पार्ट में भी आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम इसका थर्ड पार्ट आपको सॉल्व करके बताते हैं। ये आपका थर्ड पार्ट दिया हुआ है, इसमें पहले इक्वेशन आपकी दी हुई है 3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन को हम 1 मान लेते हैं और इसे कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो से, तो a1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 और b1 इज इक्वल टू 4 और c1 इज इक्वल टू माइनस का 12 हो जाएगा। सिमिलरली आपको दूसरी इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस टू ए माइनस बी इंटू वाई, और इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस का 5a प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। इसको हम फिर से कंपेयर करते हैं ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो से, तो ए टू इज इक्वल टू यहाँ पर ए प्लस बी हो जाएगा, बी टू इज इक्वल टू टू ए माइनस बी हो जाएगा, और सी टू इज इक्वल टू माइनस फाइव प्लस 5a प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर कंडीशन आपको अप्लाई करना है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए होता है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, a1 अपान a2 कितना दिया हुआ है 3, अपान a2 की वैल्यू है a प्लस b इक्वल टू b1 की वैल्यू है 4 अपान b1 अपान b2 2 a माइनस बी ये आपका दिया हुआ है, और c1 अपान c2 c1 की वैल्यू है माइनस का 12 अपान c2 की वैल्यू है माइनस का 5a प्लस 1। अब देखिए इनको हम इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकेंड, और ये आपका थर्ड है। पहला और सेकेंड हम पहले सॉल्व करते हैं फिर फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं। तो यहाँ पर लिखना है 3 अपान a प्लस बी इज इक्वल टू 4 अपान 2a प्लस
ए माइनस बी, सॉरी 4/2 a-b, ये इससे कट जाएगा 2 2 जा 4, तो यहाँ पर बचेगा आपका क्या बचेगा 3/a+b इक्वल टू 2/a-b। इसको हम सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, दो इक्वेशन बनेंगी आपकी, तो 3a-3b इक्वल टू 2a+2b। इसको हम इधर लाते हैं तो 3a-2a और माइनस का 3b माइनस का 2b इक्वल टू 0। यहाँ से इक्वेशन आपको सॉल्व करना है तो a माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 5b इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन a आ गई। और दूसरी इक्वेशन आपकी है, अब पहले और इसको थर्ड को लेते हैं, पहले और थर्ड को लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 3/a+b इक्वल टू माइनस का 12/-5a+1। इसको हम सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा माइनस का 15a और प्लस का थ्री हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 12a और माइनस का 12b। और सॉल्व करते हैं तो देखिए 12a इसको हम इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का यहाँ पर 15a, माइनस का 15a और प्लस का 12a और माइनस इधर आएगा तो प्लस 12b, और इसको हम उधर लाते हैं ले जाते हैं तो माइनस का 3 हो जाएगा। और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3a प्लस 12b इक्वल टू माइनस का 3, इसमें से माइनस 3 कॉमन ले लीजिए तो a माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस का 3। और सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन यहाँ पर क्या आएगी, ये माइनस माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1 बच जाएगा, तो a माइनस 4b इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ये आपकी b इक्वेशन आ जाएगी। अब a और b दोनों इक्वेशन को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, आपकी a माइनस 5b इक्वल टू 0, ये आपकी a इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है a माइनस 4b इक्वल टू 0, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है b। इनको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो माइनस प्लस और माइनस ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा देखिए माइनस का यहाँ पर बचेगा b इज इक्वल टू माइनस का 1, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन a में कर दीजिए, तो a माइनस 5 b इज इक्वल टू 0, a माइनस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो a और b की वैल्यू आपकी निकल के आई है, हमें a और b की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना था ये तीसरे पार्ट में भी, और सेकंड पार्ट को भी आप इसी तरह से सॉल्व करके बताएंगे तो आपका आंसर सेम निकल के इसी तरह से आ जाएगा a और b की वैल्यूज। तो आपको सेकंड पार्ट का आंसर हमें कमेंट में बताना है कि आपका क्या आंसर आता है। और ये जो एक्सरसाइज है 3.1, इसके 8 क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको सारे के सारे डिस्कस कर दिया है, कंप्लीट क्वेश्चन है, जो कि पॉसिबल जितने भी क्वेश्चन आपको बन सकते थे एक्सरसाइज 3.1 में, जितने भी मैनी सॉल्यूशंस और यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया था, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन सकती थी वो मैंने आपको सारे डिस्क्राइब कर दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है, एक्सरसाइज आपको 3.2 सॉल्व करना हो तो उसको आपको पहले मेथड्स आपको जानना होगा, एलिमिनेशन मेथड्स क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, तो वो हम आपको बताएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।